हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज है रविवार और साप्ताहिक का इस भाग में आज हम पिछले हफ्ते के यानी कि नवंबर 24 से लेके नवंबर 30 तक के सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे और उसके साथ उसके जो डिटेल्स और उसके जो इंफॉर्मेशन भी हम लोग डिटेल्स में यहां पे डिस्कस करेंगे। तो बहुत कुछ चीजें यहां पे सीखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको इसी तरह मिलते रहे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। लद्दाख के जो हाई एल्टीट्यूड रीजन है यानी कि ऊंचाई वाले जो रीजन में, वहां पे एक स्पेशल विंटर ग्रेड डीजल का लॉन्च किया। तो इसको किसने लॉन्च किया, तो यहां पे जो है इसको एक्चुअली डेवलप किया गया है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। तो यहां पे लद्दाख के कुछ जो ऊंचाई जो हाई अल्टीट्यूड रीजन है जैसे कि काजा कैलोग, तो वहां पे बहुत ठंड होती है, तो वहां पे उस एटमोस्फेयर में चलने के लिए जो एक स्पेशल डीजल की जरूरत होती है क्योंकि वहां पे जो टेम्परेचर है -33 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाती है, तो उसके लिए वहां पे नॉर्मल डीजल नहीं एक स्पेशल डीजल की जरूरत होती है। तो इसको एक्चुअली डेवलप किया गया है जो पानीपत रिफाइनरी द्वारा और इसको लॉन्च किया गृहमंत्री अमित शाह ने। और याद रखें कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इसकी स्थापना हुई थी 1959 में और इसमें जो इसकी जो हेडक्वार्टर है दिल्ली में है हेडक्वार्टर, और इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टोटल जो शेयर है 52.1%। कॉमनवेल्थ यूथ पार्लियामेंट CYP 2019, ये कौन से स्टेट असेंबली द्वारा इसको होस्ट किया गया, तो ये जो है इसको होस्ट किया गया लोकसभा के द्वारा। तो ये 3 दिन का जो कॉमनवेल्थ यूथ पार्लियामेंट ये चली थी 25 नवंबर 2019 से और इसमें लगभग जो 47 यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स ने यहाँ पे भाग लिए थे 24 अलग अलग कंट्री से। तो वहां पे जो लोग हैं उनकी जो आयु 18 से लेके 18 साल से लेके 29 साल की उनके आयु थी, तो वहां पे उन्होंने जो कॉमनवेल्थ नेशंस से उन लोग बिलोंग करते हैं तो उन्होंने वहां पे जो डेमोक्रेसी और गवर्नेंस से रिलेटेड काफी कुछ टॉपिक्स के बारे में वहां पे डिस्कस किया। और वहां पे जो चीफ गेस्ट थे जो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, और तो इसका सही आंसर है दिल्ली में कॉमनवेल्थ यूथ पार्लियामेंट होस्ट किया गया। 8 इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट ये कौन से सिटी में लॉन्च किया गया यानी कि किया गया, तो यहां पे जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इसको लॉन्च किया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ। तो ये स्टार्ट हुई थी 23 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक। तो यहां पे इसको जो है इसको लॉन्च किया गया, इसको स्टार्ट किया गया मणिपुर की जो कैपिटल है इंफॉल में। तो यहां पे बेसिकली इसकी एम जो है मणिपुर की जो यहां पे जो टूरिज्म पोटेंशियल है उसको यहां पे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में प्रमोट करने के लिए। तो यहां पे जो भी 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहां पे उनको जो यहां पे एक साथ बांधेगी ये जो इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट। और अगर पूछे कि इंटरनेशनल टूरिज्म मिनिस्टर कौन है, उनका नाम है प्रहलाद सिंह पटेल। 2019 का ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का जो वर्ड ऑफ द ईयर यानी कि 2019 का वर्ड ऑफ द ईयर बाय ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ये कौन सी है, तो इसमें 3 अलग अलग वर्ड्स यहां पे चुने गए थे, शॉर्टलिस्ट किए गए थे, क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट डेनियल और इको एंजाइटी और फ्लाइट शेम। तो यहां पे से जो क्लाइमेट इमरजेंसी इसको चुना गया, तो इसका सही आंसर है क्लाइमेट इमरजेंसी 2019 का ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से वर्ड ऑफ द ईयर। और अगर 2018 का जो वर्ड ऑफ द ईयर बाय ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी उसका नाम था टॉक्सिक। कौन से स्टेट ने रिसेंटली ये डिक्लेयर किया गया है उनके जो एथलीट्स यानी कि जो खिलाड़ी है उनको यहां पे 5% रिजर्वेशन मिलेगी जो गवर्नमेंट जॉब से। तो यहां पे जो मध्य प्रदेश ने यह डिक्लेयर किया है कि उसके जो इंटरनेशनल और नेशनल जो मेडलिस्ट है उनको ये 5% के रिजर्वेशन मिलेगा, तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। तो ये अनाउंस किया गया मध्य प्रदेश के स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर मिनिस्टर जीतू पटवारी के द्वारा। और यहां पे जो अंडर 16 जो स्टेट लेवल ओलंपिक गेम्स है ग्वालियर में उसके द्वारा इसको यहां पे घोषणा की गई। तो यहां पे जो अंडर 16 स्टेट लेवल ओलंपिक गेम्स उसमें 10 अलग अलग स्पोर्ट्स के नाम यहां पे मेंशन किए गए हैं, वो स्पोर्ट्स है हॉकी, बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, एथलेटिक्स, रेसलिंग, बैडमिंटन और टेबल टेनिस।
तो मध्य प्रदेश की बिकॉज बात हो रही, तो मध्य प्रदेश की जो पूर्व मुख्यमंत्री थे कैलाश जोशी, उनकी निधन हो गई रिसेंटली। और मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट शक्ति, प्रोजेक्ट शक्ति। तो प्रोजेक्ट शक्ति में यहां पे क्या होगा कि जो पब्लिक है उनको वहां पे क्राइम्स के रिलेटेड वहां पे अलर्ट किया जाएगा। तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। कौन से आर्म फोर्स ने रिसेंटली पूंछ लिंग अप डे इसको लॉन्च किया? तो यहां पे जो है इंडियन आर्मी ने, जो यहां पे जो सोल्जर्स थे उन्होंने अपनी जो यहां पे इंडिया और पाकिस्तान के यहां पे जो वार हुई थी पूंछ के इलाके में 1947-48 में, तो उसको यहां पे सेलिब्रेट करने के लिए, इसको उनको ट्रिब्यूट देने के लिए इसको सेलिब्रेट किया गया। तो इसका सही आंसर है इंडियन आर्मी। तो यहां पे क्या हुआ था कि 1947 में पाकिस्तान के जो यहां पे सोल्जर्स थे वहां पे पूंछ एरिया में वहां पे आ गए थे, तो वहां पे उस टाइम में ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह और ब्रिगेडियर योदुनाथ, तो उन्होंने वहां पे रजौरी और धन्ना का पीर में वहां पे 21 नवंबर 1948 को वहां पे पाकिस्तानी सैनिक को वहां से हटा के भगा दिया था। तो ये इंडिया और पाकिस्तान का पहला वार मान सकते हैं हम। और अगर पूछे कि जो इंडियन आर्मी के जो चीफ है उनका नाम है जनरल बिपिन रावत, इंडियन एयरफोर्स के चीफ है राकेश कुमार सिंह बहादुरिया, इंडियन नेवी के चीफ है एडमिरल करमबीर सिंह, इंडियन कोस्ट गार्ड के चीफ है कृष्णस्वामी नटराजन। कौन से कंट्री ने डेविस कप 2019 का खिताब जीता? तो यहां पे ये डेविस कप क्या होता है, मेन जो पुरुषों के यहां पे जो एक उनके देश के यहां पे टेनिस का जो लॉन टेनिस उसका टीम इवेंट होता है। तो ये जो डेविस कप ये पहली बार स्टार्ट हुई थी 1900 सन में, और उसमें यूएसए जो है सबसे ज्यादा अभी तक 32 बार अभी तक जीत चुकी है। और अगर पूछे कि जो इसका अल्टरनेटिव जो पुरुषों के लिए डेविस कप, तो महिलाओं के लिए है फेड कप। तो फेड कप स्टार्ट हुआ था पहली बार 1963 में और सबसे ज्यादा बार अभी तक जीत चुके हैं यूएसए 18 बार। तो अगर यहां पे पूछे 2019 का डेविस कप जीता स्पेन ने, तो स्पेन ने यहां पे कनाडा को 2-0 से हराया था। और अगर पूछे कि जो फेड कप है 2019 का इसको किसने जीता, तो उसमें फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था जो फाइनल में 3-2 में। तो 2019 का जो फेड कप जीता था फ्रांस ने, और 2019 का डेविस कप जीता स्पेन ने। और स्पेन के जो राफेल नडाल वो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के हिसाब से माना गया। तो टेनिस के रिलेटेड जो ग्रैंड स्लैम्स है, 2019 का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन वो पुरुषों के विजेता रहे नोवाक जोकोविक, और जो महिलाओं की विजेता रही थी नाओमी ओसाका। 2019 के जो फ्रेंच ओपन है, फ्रेंच ओपन के जो पुरुषों के विजेता रहे राफेल नडाल, और महिलाओं की थी एशली बार्टे। 2019 के जो विंबलडन के पुरुषों के विजेता रहे राफेल नडाल, और महिलाओं के सिमोना हेलेप, ये विंबलडन का है। और जो अगर 2019 का अगर यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 2019 का जो पुरुषों के विजेता रहे थे नोवाक जोकोविच, मैं राफेल नडाल बोल गया था, यहाँ पे नोवाक जोकोविच विंबलडन के यहाँ पे विजेता रहे थे। और अगर 2019 के जो यूएस के यूएस ओपन के जो पुरुषों के विजेता रहे राफेल नडाल, तो राफेल नडाल ने 2 जीते फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन पुरुषों के, और जो ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन जीते नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच है सर्बिया। और 2019 का जो यूएस ओपन वो जीती जो कनाडा की बिना का एंड्रिस्क्यू फीमेल खिलाड़ी साइमन टफेल, ये रिसेंटली न्यूज में थे। तो ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो साइमन टफेल आपने कई बार इनको जो टीवी में जब क्रिकेट के एम्पायर करते हुए देखा ही होगा। तो उन्होंने रिसेंटली एक बुक लिखी है जिसका नाम है फाइंडिंग द गैप्स। तो साइमन टफेल उनकी जो एक्यूरेसी और फिटनेस के लिए काफी मशहूर थे, तो ये बिलोंग करते हैं ऑस्ट्रेलिया के। तो ऑस्ट्रेलिया के ये अंपायर है, और इन्होंने अब तक जो है 74 टेस्ट में अंपायरिंग की है, लगभग 174 वनडे मैचेस में अंपायरिंग की है, और लगभग 34 इंटरनेशनल T20 में अंपायरिंग की है। और ये जो है 2012 में उनकी रिटायरमेंट उन्होंने ले ली थी। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने एक सिटीजन हेल्पलाइन नंबर 14400 जो करप्शन रिलेटेड इश्यू के साथ इसको लॉन्च किया है? तो यहाँ पे जो है आंध्र प्रदेश के जो सीएम है वाई एस जगनमोहन रेड्डी, उन्होंने लॉन्च किया है। तो आखिर यहाँ पे सिटीजन जो है यहाँ पे जो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट के यहाँ पे जो कंप्लेंट है उसको यहाँ पे इमीडिएटली उसको कंप्लेंट उसके डाल सके। तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश।
और आंध्र प्रदेश ने रिसेंटली आईएम अहमदाबाद के साथ एक एमओयू साइन किया था, तो यहां पे आईएम अहमदाबाद क्या करेगी, गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है उसके जो करप्शन रिलेटेड इशू उसको सजेशन देगी, वहां पे उसको इन्वेस्टिगेशन करके उसको सजेशन देगी। और आंध्र प्रदेश ने एक और स्कीम निकाली थी, एक प्रोजेक्ट निकाली थी जिसका नाम है नाडू नेडू, तो ये नाडू नेडू इसको कंफ्यूज मत होगी, ये तमिलनाडु नहीं है, तो आंध्र प्रदेश ने इसको निकाला था। तो इसमें जो आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट स्कूल्स है उसको यहाँ पे जो वाइब्रेंट इंस्टीट्यूशन में यहाँ पे कन्वर्ट किया जाएगा। और आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट ने एक जो फार्मर्स के लिए एक स्कीम निकाली थी जिसका नाम है रायतू भरोसा, तो रायतू भरोसा आंध्र प्रदेश ने निकाला था और रायतू बंधु ये निकाला था तेलंगाना के गवर्नमेंट ने। रायतू का जो मीनिंग, ये एक तेलुगु वर्ड है जिसका मीनिंग है एग्रीकल्चर। कौन से इंडियन आर्म फोर्स ने ये एक होस्ट करने वाली है मिलन 2020, एक मल्टीनेशनल मिलिट्री ड्रिल है, तो यहां पे ये जो इंडियन नेवी इसको होस्ट करेगी मार्च 2020 में। तो यहां पे जो है टोटल 41 कंट्रीज से यहां पे जो एक्चुअली जो डिफेंस कॉरपोरेशन वहां पे शेयर किया जाएगा इंडिया के साथ, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप से। और इसको जो यहाँ पे डिक्लेयर किया जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस श्रीपद नायक ने, तो इसका सही आंसर है इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी के चीफ कौन है ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बतानी है। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसको रिसेंटली कौन से शहर में स्थापना की गई, तो इसको बेसिकली हैदराबाद का जो सिकंदराबाद है वहां पर लॉन्च किया, इसको स्थापना किया गया, इसका सही आंसर है हैदराबाद। तो यहां पे क्या होगा कि यहां पे जो रेलवे के जो प्रोफेशनल जो मैनेजमेंट है फाइनेंशियल इश्यूज के रिलेटेड वहां पे उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट किया है जो रेल विकास निगम लिमिटेड, और जिसकी कुल लागत जो है 85 करोड़ इसकी कुल लागत होगी। और अगर पूछे इंडियन रेलवेज, तो इंडियन रेलवेज की स्थापना हुई थी 1853 में, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ये रेलवे नेटवर्क है, और इंडियन रेलवे के जो यूनियन मिनिस्टर है पीयूष गोयल। इटालियन हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये रिसेंटली न्यूज में है, तो ये कौन से स्टेट के साथ रिलेटेड है, तो यहां पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहां पे उन्होंने बायोडायवर्सिटी स्टडी के लिए एक रिकमेंडेशन दिया है ताकि अरुणाचल प्रदेश का यहां पे एक हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की यहां पे स्थापना किया जा सके, जिसकी टोटल जो है लगभग 3097 मेगावाट की जो यहां पे जो प्रोडक्शन किया जा सकता है, तो इंडिया की वन ऑफ द हाईएस्ट ये प्रोडक्शन कैपेसिटी वाली एक हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट होगी। तो इसको यहाँ पे प्लानिंग किया जा रहा है जो दिबांग रिवर है, दिबांग रिवर जो एक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की, जिसकी एस्टिमेटेड टाइम जो लग जाएगी ये लगभग 7 साल की यहाँ पे लग जाएगी। और यहाँ पे ये बोला गया है कि यहाँ पे जो है लगभग 25,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे टोटल खर्चा हो सकता है। तो यहां पे बेसिकली क्या है कि यहां पे जो ये एरिया है अरुणाचल प्रदेश का बहुत ही एक रिच बायोडायवर्सिटी एक एरिया है, जहां पे अगर उसको स्टार्ट किया गया तो वहां पे टोटल जो है लगभग 2.8 लाख जो यहां पे ट्रीज को वहां पे काटने पड़ेंगे, और लगभग 18 विलेजेस में यहां पे जितने लोग रहते हैं उनको यहां पे अफेक्टेड हो गए। तो यह उसको बायोडायवर्सिटी की यहां पे जो यहां पे हानि ना पहुंचे तो उसके लिए एक स्टडी किया गया है। तो इटालियन हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश। यूनियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली यहां पे डिसाइड किया है कि कौन से यहां पे जो दो यूनियन टेरिटरी है उनको मर्ज किया जाएगा। तो यहां पे ये बात एक्चुअली काफी टाइम से आ रही थी, जब जम्मू कश्मीर को यहां पे तोड़ के, स्टेट को तोड़ के दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में यहां पे डिवाइड कर दिया गया था। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट जो होम के हैं जी किशन रेड्डी ने इसको इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में, तो इसको जो है दमन एंड दीव और दादरा नगर हवेली इसको अभी मार्च कर देने की यहां पे बात हो रही है। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने जो पहला वल्चर कंजर्वेशन सेंटर की स्थापना करने की यहां पे बात की, यानी कि वो जो वल्चर जो गिद्ध बोलते हैं हम, गिद्ध की यहां पे कंजर्वेशन सेंटर खोला जाएगा उस स्टेट में। तो यहां पे जो है या बात किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के जो महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में ये खोलने की बात की जा रही है, और इसको एसोसिएट करेगी बॉम्बे हिस्टोरिकल सोसाइटी जो एक वाइल्ड लाइफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। तो अगर बात करेंगे एशिया का पहले वल्चर जो गिद्ध प्रिजर्वेशन सेंटर जो है उसका नाम है जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर, जो पिंजौरे में है हरियाणा में। तो एशिया की यह पहली है, और इंडिया में टोटल 4 वल्चर कंजर्वेशन सेंटर है, एक तो है हरियाणा के पिंजौरे, 3 है
जो गुवाहाटी असम के रानी में है, वेस्ट बंगाल बक्सा और भोपाल जो एमपी में, यहाँ पे तीन अलग अलग वल्चर कंजर्वेशन सेंटर है। तो ये पांचवा होगी उत्तर प्रदेश की पहली, नागरिक कर्तव्य पालन अभियान। तो इसको कौन से यूनियन मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया, तो यहाँ पे जो है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जो ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट रमेश पोखरियाल निशंक है, इसको एक वेब पोर्टल लॉन्च किया जिसका टोटल जो नाम है UGC.ac.in। तो यहाँ पे जो है इस वेब पोर्टल के जरिए यहाँ पे जो ऐसे कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जाएगा जो स्टूडेंट्स है अलग अलग यहाँ पे टॉपिक्स रिलेटेड, जैसे कि क्विज हो, डिबेट्स हो, पोस्टर मेकिंग, पेंटिंग, इसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो इसका सही आंसर जो है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, नागरिक कर्तव्य पालन अभियान। और यहाँ से और एक न्यूज है कि यहाँ पे जो यूनियन मिनिस्ट्री फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हरदीप सिंह पुरी, तो वहां पे उन्होंने एक क्रेडिट लिंक सब्सिडी आवास पोर्टल जिसका नाम है CLAP क्लैप, इसको लॉन्च किया यूनियन मिनिस्ट्री फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो यहाँ पे इसके जरिए क्लैप के जरिए यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंट और रियल टाइम वेब बेस्ड जो एक मॉनिटरिंग सिस्टम है ये, जिससे सब्सिडी सर्विस के बारे में यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा। रॉयल एरोनॉटिकल सोसाइटी जो लंदन में है, तो वहां पे जो कौन से इंडियन साइंटिस्ट को यहाँ पे फेलोशिप मिला है 2019 का, तो यहाँ पे जो है जी सतीश रेड्डी जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के यहाँ पे सेक्रेटरी है, और जो DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पे जो चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी, इनको ये सम्मान मिला। तो यहाँ पे ये पहले इंडियन है जिनको ये सम्मान मिला है। तो ये जो है एरोस्पेस सेक्टर में ये दुनिया का हाईएस्ट अचीवमेंट अवार्ड है, तो जिसको नोबेल प्राइज के इक्विवेलेंट भी माना जाता है इन द फील्ड ऑफ एरोस्पेस। और अगर पूछे कि जो रॉयल एरोनॉटिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना हुई थी 1866 में, तो ये अवार्ड मिला है जी सतीश रेड्डी को। एंटी करप्शन ऑम्बड्समैन लोकपाल, तो इसका जो लोगो है, तो ये लोगो को किसने डिजाइन किया है, तो आप देख सकते हैं ये जो नया लोगो है लोकपाल का, तो यहाँ पे एक्चुअली लगभग 2000 से ज्यादा एंट्रीज आए थे लोगो के लिए, और लगभग 4000 से ज्यादा यहाँ पे मोटो यहाँ पे एंट्री आई थी। तो यहाँ पे इस लोगो को जो डिजाइन किया था प्रशांत मिश्रा ने, इनके डिजाइन किए हुए लोगो को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया। तो यहाँ पे जो मोटो है, तो ये एक संस्कृत वर्ड है, मा गृध शया स्वी धनम, एक संस्कृत है वो है मोटो। तो इसका मीनिंग है किसी की जो संपत्ति पे लोभ नहीं करनी चाहिए, तो ये लोकपाल का मोटो है। तो इंडिया का पहला जो लोकपाल है वो है पिनाकी चंद्र घोष, और लोकायुक्त जो स्टेट के यहाँ पे लोकायुक्त होते हैं, तो यहाँ पे पहले जो लोकायुक्त गठन हुआ था महाराष्ट्र में 1971 में। तो एक बार क्या होता है कि किसी भी स्टेट में अगर लोकायुक्त को अपॉइंट किया जाता है, तो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट भी इसको निकाल नहीं सकते, उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता है। और अगर बात करेंगे महाराष्ट्र के जो लोकायुक्त सबसे कमजोर लोकायुक्त माना जाता है उनकी जो सिस्टम, और जो कर्नाटक के जो लोकायुक्त सबसे स्ट्रांगेस्ट लोकायुक्त माना जाता है, तो लोकायुक्त का जो लोगो प्रशांत मिश्रा। कौन से भारतीय ऑर्गेनाइजेशन ने करेंसी स्वैप अरेंजमेंट जो सार्क कंट्रीज के लिए इसको स्टार्ट किया है, जिसकी जो यहाँ पे रिवाइज यहाँ पे फ्रेमवर्क है ये 2019 से लेकर 2022 तक यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे जो है RBI ने, यहाँ पे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इसका सही आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे एक जो रिवाइज फ्रेमवर्क इसको स्टार्ट किया है, जो 2019 के 14 नवंबर से लेके 2019 के 14 नवंबर से लेके 13 नवंबर 2022 तक यहाँ पे इसको स्टार्ट किया गया है। तो यहाँ पे जो है टोटल जो है $2 बिलियन का यहाँ पे करेंसी स्वैप अरेंजमेंट होगी, जो सार्क कंट्रीज के लिए होगी। और ये जो अरेंजमेंट किया जाएगा, इसमें जो करेंसी स्वैप किया जाएगा, तो यहाँ पे तीन करेंसी होगी, $, यूरो और इंडियन रुपीज में इस करेंसी स्वैप किया जाएगा, और इसकी मैक्सिमम जो वैल्यूएशन $2 बिलियन तक किया जा सकता है। तो सार्क जो कंट्रीज है, सार्क का फुल में साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, तो यहाँ पे जो सार्क 8 कंट्रीज है यहाँ पे याद रखेगा, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो इसमें जो IRDA है, IRDA का जो फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, और इसके जो चेयरमैन है सुभाष चंद्र खुंटिया, और सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके जो चेयरमैन है अजय त्यागी, और सेबी की गठन हुई थी 1992 में। कौन से लॉन्च व्हीकल जिसने एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है
कार्टोसेट 3 को ऑर्बिट में लॉन्च किया। तो यहां पे जो है जो कार्टोसेट सैटेलाइट है कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो सूर्य की यहां पे सिंक्रोनाइज ऑर्बिट में इसको लॉन्च किया गया है फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर नेलोर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश से। तो इसका सही आंसर जो है पीएसएलवी। तो पीएसएलवी एक कैरियर है, तो इसका सही जो नाम है पीएसएलवी C47 याद रखिएगा इसको। तो यहां पे जो कार्टोसेट है ये थर्ड जनरेशन सैटेलाइट है जिसमें हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग कैपेबिलिटी होगी जो यहां पे वेदर मैपिंग करेगी और आर्मी के डिफेंस में भी यहां पे काफी सारा यहां पे कंट्रीब्यूशन देगी। तो इसमें जो है पीएसएलवी C47 ने 13 अलग अलग नैनो सैटेलाइट्स को भी यहां पे सक्सेसफुली लॉन्च किया है जो यूएसए से बिलोंग करती थी। और ये जो है इसको लॉन्च किया गया जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL जो इसरो का एक कॉमर्शियल आर्म भी है। तो पीएसएलवी C47 कार्टोसेट 3। कौन से पहली इंडियन कंपनी बनी है जिसकी मार्केट वैल्यूएशन जो है 10 लाख करोड़ तक पहुंच गई है, 10 लाख करोड़। तो यहां पे है जो है यहां पे जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का रिसेंटली जो एक्सपेयर जो यहां पे जो शेयर का यहां पे स्पाइक हुई थी जिसकी वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज का यहां पे जो टोटल मार्केट वैल्यूएशन जो है 10 लाख करोड़ की से ज्यादा हो गई। तो यहां पे सही आंसर जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो यहां पे सेकंड रैंकिंग पे है टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जिसकी टोटल मार्केट वैल्यूएशन जो है 7.7 लाख करोड़। और थर्ड रैंकिंग पे है एचडीएफसी बैंक, फोर्थ पे है हिंदुस्तान यूनिलिवर। तो यहां पे जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन यहां पे क्या होती है कि जो स्टॉक एक्सचेंज के प्राइस मूवमेंट के हिसाब से ये अप डाउन करती रहती है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज फाउंडेशन की यहां पे स्थापना हुई थी 1973 में, इसको स्थापना किया था धीरूभाई अंबानी ने और जिसके सीईओ है मुकेश अंबानी। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। तो एशिया की यह सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली फाइलेरिया के लिए एक इम्यूनाइजेशन कैंपेन की यहां पे स्टार्ट की है। तो फाइलेरिया एक क्या होती है कि एक पैरासाइटिक डिजीज होती है जिसको यहां पे अगर ज्यादा हो गया तो आप देख सकते हैं यहां पे बुखार तक से स्टार्ट होकर ऐसे बीमारी भी हो सकते हैं जहां पे आपके जो पैरों के यहां पे जो साइज एबनॉर्मली यहां पे बढ़ सकती है। तो यहां पे इसको जो ये कैंपेन को यहां पे लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश के द्वारा। तो इसके लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने यहां पे एक बात कही कि 2021 तक फाइलेरिया को यहां पे कंप्लीटली पूरे देश से यहां जो है निर्मूल किया जाएगा। इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज फॉर 2019 ये खिताब जो है किसने जीता? तो ये खिताब जो जीता है स्वीडन की जो 16 वर्षीय युवती है ग्रेटा थनबर्ग। तो काफी बार ये न्यूज में रही है और इसके साथ जो है इनके साथ जो डिवियाना मलोम ये कैमरून की युवती है 15 साल की युवती, ये भी ये जो इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज फॉर 2019 ये विनर रही। तो ये जो इनको अवार्ड दिया गया कैलाश शत्यार्थी के द्वारा दिया गया जो 2014 के जो इंडिया से जो नोबेल पीस प्राइज विनर थे, तो इन्होंने कैलाश चतुर्थी ने इनको ये अवार्ड दिया। तो ग्रेटा थनबर्ग के बारे में बात करते हैं तो ये स्पेशली काम करती है जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड और इनको जो है 2019 के जो नोबेल पीस प्राइज के लिए इनको नॉमिनेट भी किया गया था। और ये जो फाउंडर है स्कूल स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट मूवमेंट के, तो ग्रेटा थनबर्ग स्वीडन और इन्होंने जीता इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज फॉर 2019। 2019 का स्कॉटिश ओपन टूर्नामेंट ये किसने जीता? तो ये 2019 का स्कॉटिश ओपन हुआ था ग्लासगो जो स्कॉटलैंड में है। तो यहां पे बेसिकली जो लक्ष्य सेन इन्होंने यहां पे हराया था ब्राजील के योगर कोलेहो को। और जो है लक्ष्य सेन जो बहुत ही अच्छे बैडमिंटन खिलाड़ी है, तो स्कॉटिश ओपन याद रखें एक बैडमिंटन टूर्नामेंट है। तो लक्ष्य सेन ने 2019 में यहां पे स्कॉटिश ओपन जीते, सर्लॉक्स ओपन जीते, डच ओपन और बेल्जियन इंटरनेशनल ओपन भी यहां पे जीते। तो ये चौथे भारतीय बने जो स्कॉटिश ओपन जीते हैं। इससे पहले पुलेलाल गोपीचंद ने 1999 में जीता था स्कॉटिश ओपन, देन अरविंद भट्ट ने 2004 में, आनंद पवार ने 2010 और 2012 में जीता था। और बैडमिंटन से रिलेटेड न्यूज है कि जो इंटरनेट जो नेशनल चैंपियनशिप होती है हर साल, 2019 का जो चैंपियनशिप हुआ था गुवाहाटी में तो उसको जीता था सौरभ वर्मा मेल कैटेगरी में और साइना नेहवाल फीमेल कैटेगरी में। कौन से स्टेट ने शंघाई फेस्टिवल
ये लॉन्च किया जाता है, हर साल लॉन्च किया जाता है। तो संगाई जो है ये मणिपुर का एक जो कल्चर से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे एनिमल है, जो मणिपुर की यहाँ पे एक स्टेट एनिमल है। तो ये 10 दिन तक चलती है हर साल, 21 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक। तो यहाँ पे हर साल ये चलती है। तो यहाँ पे ये क्या करती है, एक प्लेटफॉर्म के हिसाब से ये अलग अलग यहाँ पे फंक्शन होती है, जिसमें मणिपुर की यहाँ पे जो टूरिज्म को प्रमोट किया जाता है। और तो इसका सही आंसर है मणिपुर, संगाई फेस्टिवल मणिपुर। मणिपुर से रिलेटेड कुछ और भी फेस्टिवल है, जैसे कि चाइरोबा, लाई हरारोबा, कांग फेस्टिवल, कूट फेस्टिवल, निंगल चाउकाबा, रामजान, गंग नाय, ये सब कुछ मणिपुर के फेस्टिवल्स है। कौन से देश के जो फ्लोटिंग स्कूल प्रोजेक्ट को रिसेंटली आगा खान आर्किटेक्चर अवार्ड मिला है? तो यहाँ पे बेसिकली क्या मिला है, ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें आप देख सकते हैं एक फ्लोटिंग स्कूल है, यानी कि ये जो एक नाव में यहाँ पे एक स्कूल बनी हुई है, तो यहाँ पे जो शिक्षार्थी है यहाँ पे क्लास ले सकते हैं। तो इसको बेसिकली डिजाइन किया गया था जो वर्ल्ड फेमस आर्किटेक्चर है सैफ उल हक ने। तो ये जो प्रोजेक्ट के लिए उनको आगा खान अवार्ड मिला है, उसका नाम है आर्किया एजुकेशन प्रोजेक्ट। तो आगा खान एजुकेशन आर्किटेक्चर अवार्ड मिला है, इसका सही आंसर बांग्लादेश। तो इसका बांग्लादेश के ये आर्किटेक्चर है सैफ उल हक। महाराष्ट्र असेंबली के नए प्रो टाइम स्पीकर किन को अपॉइंट किया गया है? तो यहाँ पे जो दिलीप पाटिल है, जो नेशनल कांग्रेस पार्टी जो उनके एमएलए हैं, उनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। तो इसको अपॉइंट किया गया है बी एस कोश्यारी, जो महाराष्ट्र के गवर्नर है। और इस बार जो यहाँ पे अभी महाराष्ट्र में जो एनसीपी कांग्रेस और शिवसेना का जो महाअगाधी गठबंधन, तो वहां पे उन्होंने सरकार फाइनली बना ली, और जो उद्धव ठाकरे है उन्होंने महाराष्ट्र के जो सीएम पद पे यहाँ पे शपथ ग्रहण कर लिया है। तो इसका सही आंसर जो है दिलीप पाटिल। रिसेंटली जो ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन राइट बिल, ये राज्यसभा लोकसभा से दोनों से पास हो गई, तो वहां पे कौन सी विवादास्पद एक प्रोविजन है जिसके बारे में काफी कंट्रोवर्सी हुई थी? तो यहाँ पे जो है बात किया गया था कि जो यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से सर्टिफिकेट लेनी पड़ती है, तो इसका सही आंसर है गेटिंग ए सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो ये इसको काफी विवादास्पद माना गया था, क्योंकि ये ट्रांसजेंडर लोगों की यहाँ पे एक जो फंडामेंटल राइट होती है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उनको अभी एक आइडेंटिफिकेशन प्रूफ देनी पड़ेगी कि कोई व्यक्ति अगर सपोज फीमेल से वो मेल में कन्वर्ट होगी, या फिर मेल से लेके फीमेल में कन्वर्ट हो गए, तो उनके लिए यहाँ पे सर्टिफिकेट जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेनी पड़ेगी। तो ये थोड़ी विवादास्पद यहाँ पे बात हुई गई थी। 15 फाइनेंस कमीशन, इसका जो एक्सटेंशन कर दिया गया है, तो ये कब तक, इसके जो एक्सटेंशन जो रिपोर्ट जो उसका फाइनल रिपोर्ट है आने वाली है, इसको कब तक एक्सटेंड कर दिया गया है? तो इसको बेसिकली एक्सटेंड किया गया है जो यूनियन कैबिनेट ने 30 अक्टूबर 2020 को। तो यहाँ पे 15 फाइनेंस कमीशन, इसकी गठन हुई थी नवंबर 2017 में, और इसको चलना था नवंबर 2019 तक। तो यहाँ पे इस दौरान जो है इसको यहाँ पे जो फाइनल रिपोर्ट यहाँ पे प्रिपेयर करके इसको यहाँ पे करना था, लेकिन इसको एक्सटेंड कर दिया गया। तो ये जो है अभी 2021 से लेके 2026 तक इसके जो रिपोर्ट से इसके इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे किए जाएंगे। तो इसके जो कोर कमेटी है, कोर कमेटी के यहाँ पे जो चेयरमैन है जो 15 फाइनेंस कमीशन के, उनका नाम है नंद किशोर सिंह, एनके सिंह, और जो परमानेंट मेंबर्स है शक्तिकांत दास और अनूप सिंह, और पार्ट टाइम मेंबर्स अगर पूछे तो पार्ट टाइम मेंबर्स है रमेश चंद, अशोक लाहिरी। और 15 फाइनेंस कमीशन की गठन हुई थी 1951 में, और 1951 में, और 15 फाइनेंस कमीशन के जो एग्जीक्यूटिव है उनका नाम है अजय नारायण झा। कौन से जो अभी जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में, तो वहां पे जो उनके लिए एक नई कैपिटल यहाँ पे ऑथोराइज किया गया है, तो ये नई कैपिटल क्या है? तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यहाँ पे ये क्या करती है, यहाँ पे उन लोग एक सफिशिएंट फूड को यहाँ पे मौजूद रखती है, ताकि किसी भी जो बुरी हालत में यहाँ पे जो फूड की यहाँ पे शॉर्टेज ना हो, तो बफर स्टॉक यहाँ पे रखा जाता है। तो यहाँ पे जो भी एग्रीकल्चर में रिच स्टेट है, जैसे कि पंजाब हरियाणा, वहां से उन लोग FCI जो फूड खरीदते हैं, और जो भी यहाँ पे डेफिसिट स्टेट्स है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। नॉट ओनली डेफिसिट स्टेट्स, आर्मी को भी जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो FCI द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे जो उनके न्यू ऑथराइज कैपिटल, पहले जो थी 3,500 करोड़ थी, अभी इसको बढ़ा के 10,000 करोड़ कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसको चलाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसकी स्थापना हुई थी 1965 में, और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन है DV प्रसाद। रिसेंटली लोकसभा में एक बिल पास हो गए जो यहाँ पे उसके जो यूजेस, प्रोडक्शन, स्टोरेज, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ट्रेड, एडवर्टाइजमेंट,
उसको बैन किया है, तो ये कौन से प्रोडक्ट के लिए है? तो यहाँ पे जो है जो यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ हर्षवर्धन उन्होंने इसको लॉन्च किया गया, तो यहाँ पे बोला गया जो ई सिगरेट अभी इंडिया में बैन हो गई है, तो इसका कोई भी जो यूजेज प्रोडक्शन स्टोरेज इंपोर्ट एक्सपोर्ट एडवर्टाइजमेंट ट्रेड अभी नहीं किया जा सकता, और किसी को अगर इसको ऐसे करते हुए पकड़ा गया तो वहां पे उनको 1,00,000 रुपए तक का फाइन हो सकता है या फिर 1 साल का जेल या फिर दोनों ही हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर किसी लोगों ने अगर जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट है जिसको जलाना नहीं पड़ता है, तो लोग यहाँ पे क्या करते हैं उसको इनहेल करते हैं और धुआं यहाँ पे निकोटीन जैसे इसको छोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पे किसी लोगों ने अभी इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट अगर घर में भी स्टॉक करके रखा तो ये भी एक कानूनन जुर्म माना जाएगा। कौन सी कंट्री को रिसेंटली यूनाइटेड जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी में इंक्लूड कर दिया गया है? तो यहाँ पे जो है सऊदी अरबिया को यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी में इंक्लूड कर दिया गया है। तो अगर जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे तो इंडिया में जो है टोटल 38 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है इंडिया में, सबसे ज्यादा है 5 महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। और दुनिया में अगर बात करेंगे तो इटली में सबसे ज्यादा 55 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। तो 2019 का जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये डिक्लेयर किया गया था जयपुर की जो पिंक सिटी जिसकी स्थापना की थी सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा, और ब्राजील की जो कैपिटल है ब्राजील की जो सिटी है रियो डी जेनेरियो को, तो वहां पे यूनेस्को ने उसको वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर घोषित किया है 2020 के लिए। तो इसका सही आंसर है सऊदी अरबिया। कौन से देश के प्रेसिडेंट ने रिसेंटली हांगकांग के जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उनको सपोर्ट में एक लॉ पास किया गया है? तो यहां पे बोला गया है कि यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वहां पे जो यूएस के सेनेट और यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने जो यहां पे बिल भेजी थी, तो यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने उसको अभी साइन कर दिया, तो ये अभी एक लॉ बन गया है। तो इस लॉ के हिसाब से हांगकांग में कोई भी जो यहां पे क्राउड कंट्रोल डिवाइसेस है जैसे कि टीयर गैस हो, पेपर स्प्रे हो, उसको यहां पे एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। तो यहां पे हांगकांग को, यहां पे हांगकांग की जो प्रोटेस्ट चल रही है काफी महीनों से चल रही है, तो यहां पे जो हांगकांग बेसिकली क्या होती है कि एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है जहां पे चाइना के अंडर तो यहां पे नहीं है, तो वन कंट्री दो पॉलिसी के यहां पे सिस्टम है जहां पे स्टेट ऑफ द हेड है वहां पे जो चीफ एग्जीक्यूटिव कैरी लैम, तो वहां पे एक एक्सट्रैडिशन एक ट्रीटी के वजह से वहां पे जो एक्सटेंशन बिल स्टार्ट हुई थी, तो इसके वजह से वहां पे जो है ये काफी टाइम से ये चल रही थी, तो इसके लिए प्रोटेस्ट हो रही है वहां पे, और इसको जो है यूएसए ने अभी सपोर्ट किया है। तो इसका सही आंसर जो है यूएसए। कौन से एमपी को रिसेंटली जो लोकसभा प्रोसीडिंग में वहां पे उनको डिस्क्वालिफाई किया गया है, उनको वहां पे एक्चुअली बैन कर दिया गया है जिन्होंने ये बोला कि नाथुराम गोडसे एक पैट्रियट थे? तो यहाँ पे जो भोपाल के एमपी जो है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, उनको यहाँ पे नाथुराम गोडसे को पैट्रियट बोलने की वजह से वहां पे रिमूव कर दिया गया फ्रॉम पार्लियामेंट्री पैनल। तो यहाँ पे वो जो है अभी कोई पार्लियामेंट्री मीटिंग जो है बीजेपी की यहाँ पे जो करंट सेशन में है वो चल रही है उसको अटेंड नहीं कर पाएगी। तो इसका सही आंसर है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। अब्दुल्ला यमन, तो इनको मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस के लिए 5 साल की यहां पे जेल हुई है। तो ये कौन से देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो यहां पे मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, जो इलीगल तरीके से जो मनी को यहां पे लाके अगर किस कॉम्प्लिकेटेड बैंक ट्रांजेक्शन के द्वारा यहां पे अलग अलग कामों में यहां पे यूज किया जाता है उसको हम मनी लॉन्ड्रिंग के हिसाब से समझते हैं। तो यहां पे अब्दुल्ला यमन ये मालदीव्स के जो है पूर्व राष्ट्रपति थे, उनको यहां पे 5 साल की जेल भी हुई है और इसको अभी जो है $5 मिलियन की पेनल्टी भी लगी है। तो मालदीव्स के जो अभी करंट प्रेसिडेंट है उनका नाम है इब्राहिम मोहम्मद साले और मालदीव्स के कैपिटल है माले और मालदीव्स का जो करेंसी उसका नाम है रुपिया, तो रुपिया नहीं, मालदीव्स का करेंसी का नाम है रुफिया, रुफिया ये मालदीव्स की करेंसी है। कौन से पूर्व श्रीलंका के जो क्रिकेटर है उनको श्रीलंका के जो नॉर्दर्न प्रोविंस के गवर्नर चुना गया है? तो श्रीलंका के जो नॉर्दर्न प्रोविंस है वहां पे बहुत सारे तमिल पॉपुलेशन रहते हैं, तो वहां पे गवर्नर चुना गया है मुथैया मुरलीधरन को। तो श्रीलंका के अभी रिसेंटली जो नए राष्ट्रपति चुने हैं गोटाबाया राजपक्षा और नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं उनके जो बड़े भाई महिंदा राजपक्षा को। रिसेंटली श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षा वो इंडिया के दौरे में है, तो इंडिया ने वहां पे जो है श्रीलंका को यहां पे $400 मिलियन का यहां पे एक लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है श्रीलंका को। तो मुथैया मुरलीधरन गवर्नर बने हैं नॉर्दर्न प्रोविंस ऑफ श्रीलंका।
इनमें से कौन से जो जापान के राष्ट्रदूत है यानी कि एम्बेसडर ऑफ जापान है इंडिया के लिए, भारत के लिए, तो इसका सही आंसर जो है सातोशी सुजुकी। तो ये जापान के व्यक्ति हैं जो इंडिया में जापान के एम्बेसडर बनेंगे। अगर पूछे कि इंडिया के कौन से व्यक्ति हैं जो जापान के लिए यहां पे एम्बेसडर यानी कि राष्ट्रदूत बनेंगे, वो है संजय कुमार वर्मा। रिसेंटली गवर्नमेंट के एक नोटिफिकेशन के द्वारा यह बोला गया है कि जो जीडीपी है सेकेंड क्वार्टर, तो सेकेंड क्वार्टर में जीडीपी जो है उसकी ग्रोथ रेट कितनी हुई है, तो इसकी जो सेकेंड क्वार्टर में ग्रोथ रेट जो है 4.5%, इसको सही आंसर है 4.5%। तो यहां पे जो फिस्कल डेफिसिट भी याद रखिएगा, फिस्कल डेफिसिट फ्रॉम अप्रैल टू अक्टूबर यहां पे जो है 7.2 लाख करोड़ की यहां पे फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट क्या होती है कि एक गैप होती है जहां पे रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का यहां पे गैप होती है। तो यहां पे रेवेन्यू जितना कलेक्शन होता है और एक्सपेंडिचर यहां पे ज्यादा होती है, तो कितनी ज्यादा होती है यहां पे 7.2 लाख करोड़ की यहां पे फिस्कल डेफिसिट है। और अगर पूछे कि जो रेपो रेट है, करंट रेपो रेट है ये 5.15%, रिवर्स रेपो रेट है 4.90%, देन जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो ये है 19%, देन मार्जिनिंग स्टैंडिंग फैसिलिटी ये है 5.65%, और बैंकिंग रेट जो है ये है 5.65%। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। कौन सी कंट्री ने रिसेंटली ये बोला गया कि सबसे ज्यादा जो यहां पे माइग्रेंट्स इंडिया में रहते हैं, कौन सी कंट्री के माइग्रेंट्स इंडिया में रहते हैं वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 के हिसाब से? तो यहां पे जो है भारत के लगभग 17.5 मिलियन लोग जो है इंडियन ओरिजिन के वो एब्रॉड में रहते हैं जो माइग्रेंट यहां पे। तो यहां पे 17.5 मिलियन यानी कि 1.75 करोड़ जो व्यक्ति इंडिया से विदेश में रहते हैं। और सेकेंड रैंकिंग पे है मेक्सिको लगभग 11 मिलियन, चाइना लगभग 10 मिलियन। तो इसका सही आंसर जो है इंडिया। और अगर बात करेंगे जो स्टेटलेस यानी कि कौन से देश के व्यक्ति जो है, बांग्लादेश के जो व्यक्ति जिनके पास सिटीजनशिप नहीं है किसी भी कंट्री के, सबसे ज्यादा है दुनिया में। तो बांग्लादेश के लगभग 9 लाख लोग जो है उनके पास सिटीजनशिप नहीं है किसी भी कंट्री के। सेकेंड रैंकिंग पे है म्यांमार जिसके टोटल जो है 6.2 लाख लोगों के पास सिटीजनशिप नहीं है। और 2018 के आंकड़े के हिसाब से पूरे दुनिया में 39 लाख लोग जो है उनके पास किसी भी देश की सिटीजनशिप नहीं है। और कनाडा जो है वो सबसे ज्यादा रेफ्यूजी सेटलमेंट कंट्री के हिसाब से चुना गया है जिसमें टोटल जो है सबसे ज्यादा रेफ्यूजी वहां पे रहते हैं। तो सीरिया के सबसे ज्यादा रेफ्यूजी है जो है लगभग 6.7 मिलियन और टर्की की यहां पे 3.7 मिलियन जो रेफ्यूजी कनाडा में रहते हैं। गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2019 में चुना गया है, तो इनमें कौन से फिल्म को गोल्डन पीकॉक अवार्ड के लिए चुना गया है? तो इसका सही जो आंसर है ये है पार्टिकल्स। गोल्डन पीकॉक अवार्ड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2019 जो गोवा में आयोजित हुई, ये तो ये 50वीं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया थी। तो इसमें जो बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड इसको मिला है जो लिजो जोसे पेलिसेरी को, देन बेस्ट एक्टर मेल का अवार्ड मिला है सेव जॉर्ज को, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है उषा जाधव को। तो ये थे हमारे इस हफ्ते के जो सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, उसको हम लोगों ने एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस किया विथ डिटेल्स। तो आप लोगों ने काउंट किया होगा लगभग 40 यहां पे प्रश्नों को हमने यहां पे डिस्कस किया, और लगभग उसके साथ 200 से ज्यादा यहां पे इंफॉर्मेशन भी हम लोगों ने यहां पे डिस्कस किया। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको ध्यान से देखिए और इसको फॉलो करते रहिएगा। और जितने भी हमारे तो इसकी क्या होगी, इसके बेनिफिट क्या होते कि जब भी आप देख लेंगे यहां पे जो इसके डिटेल्स को भी आप लोग याद रख पाएंगे, तो एक ही साथ आपके यहां पे बहुत सारे बेनिफिट्स यहां पे आपको मिलेंगे। तो इसके जो साप्ताहिक के जो प्लेलिस्ट है, पुराने जो हमारे जो वीडियोस के प्लेलिस्ट बना के मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो आप लोग वहां से उनको फॉलो करते रहिएगा, आपकी करंट अफेयर्स यहां पे अप टू डेट हमेशा होती रहेगी। तो ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत होती है। तो आप लोग का यहां पे जो सपोर्ट है हम लोग को बहुत ज्यादा